नकामा अभी। जैसा कि आपने देखा, मैंने उरागिरी ने जापान के हर प्लेयर को नकामा पर अटैक करने के लिए बुलाया, फिर भी उन कमजोर बेवकूफों में से एक भी हमारी नई डिफेंसिव टेक्निक को नहीं तोड़ पाया। पागल! नकामा के डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। सुपर लीग तो अब हम ही जीते। तुम्हें लगता है उरागिरी कोई चाल चल रहा है? इसमें नया क्या है? उरागिरी ने इससे पहले भी गंदी चालों का इस्तेमाल किया है, पर इस बार उसके पास और भी खतरनाक चीज है, एक परफेक्ट डिफेंस। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम मुझ में देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। डिवोशन, डेडिकेशन और उलझे बाल। कोच, मुझे बारिश में ट्रेनिंग करना पसंद नहीं। पर हम अटैकिंग मूव्स की प्रैक्टिस कब करने वाले हैं? हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स का अपना ही एक अलग अंदाज है। नकामा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके डिसिप्लिन को बखूबी मैच करना। इसका मतलब एक साथ ट्रेनिंग करना, एक साथ खाना खाना और एक साथ आराम करना। लेफ्ट जाओ। नहीं नहीं, राइट जाओ, राइट जाओ, राइट। और पार्टी भी एक साथ ही करना, क्यों दोस्तों? तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमारे ठीक नीचे कमाल का अंडरग्राउंड मॉल बना हुआ है, जहाँ है बढ़िया दुकानें, 3 मंजिला आर्केड और सबसे जरूरी चीज, दुनिया का सबसे अच्छा हेयर सलोन। इस बारिश ने मेरा स्टाइल खराब कर दिया है। अगर तुम सब कहीं जाओगे तो वो है अपने कमरे में। क्या? पर मैंने आंट हिल्डा से वादा किया था, मैं उनके लिए टोकियो से तोहफा लाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है उरागिरी ने नकामा को गेम से एक रात पहले बाहर जाने दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता। जानता हूँ ये मुश्किल है दोस्तों, पर हमें कोच पर भरोसा करना होगा, उनका ध्यान सिर्फ नकामा को हराने पर है। रास्ता सही कह रहा है, कोच का पूरा ध्यान इस वक्त नकामा पर है, शायद कुछ ज्यादा ही। हाँ सही है। सेंसे, मिको, इस तरह चुपके से मत आया करो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं सुपर स्ट्राइकर्स को सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से हराना चाहता हूँ। इस बार कोई चीटिंग नहीं, हमारा डिफेंस जो कमाल का है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? कोच को कंडोलेंस लेटर लिख रहा हूँ। प्यारे कोच, सेकंड आना इतनी भी बुरी बात नहीं, खास कर कि जब सिर्फ 2 ही टीम्स हो। तुम बेकार हो, तुम्हारा उरागिरी। तो क्या ख्याल है? सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझिए, वो बड़े काबिल ओपोनेंट्स हैं। पर उनमें हमारी डिफेंसिव ताकत को तोड़ने जितना डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो मुझे दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं खुद को बिजी रखने के लिए।
या फिर तुम चाहते हो कि मैं कोई गंदी चाल सोचूं? नहीं नहीं, ये अब उससे तो बेहतर है। हाँ शायद। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। मेरे पास कोच के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आंट हिल्डा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दिखा दूंगा उरागिरी। हाँ? कौन है वहां? रुको। तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हम नींद में चल रहे हैं। ठीक है, तुमने हमें पकड़ लिया, पर मुझे कोच की ट्रेनिंग से एक ब्रेक चाहिए। एक साथ खाओ, एक साथ सो। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही एक साथ हो रहा है? हम तो बस एक आध घंटे के लिए मॉल जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माफ करना दोस्तों, पर हमें एक साथ ही रहना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोच के लिए एक बिल्कुल सही सरप्राइज, एक टॉयलेट शेप वाली ट्रॉफी जो सुपर स्ट्राइकर्स की हार के बाद में। ओह नो, वो सलोन तो बहुत कमाल का, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सरप्राइज बेकार हो जाएगा। ओह वाह, ये जगह तो वाकई कमाल की है। अरे कमाल के तो मेरे ये बाल हैं। सर ये देखो, ये मॉन्स्टर मास बिल्कुल उरागिरी जैसा दिखता है, जितना ही बदसूरत भी है। आंट हिल्डा को पसंद आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी तोहफे खरीद लिए हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ लिया ये फूंकने वाली चीज, कुछ बोर्ड गेम्स, एक मॉल मैप, ये कैमरा सनग्लासेस और ये बढ़िया लाइट वाले लेंसेस अपने लिए। इससे बेकार कचरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कचरा नहीं है। धीरे बोलो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि यहाँ हमें कोई पहचान ले। हाँ, अगर कोच को पता चला कि हम यहाँ आए थे तो हम गए। ओह, वो चला गया, मुझे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उरागिरी का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा होता है। अरे देखो सब लोग, वो जा रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। अरे देखो, ये सुपर स्ट्राइकर्स है। हम फंस गए। मेरे ख्याल से नहीं, इस मॉल मैप के मुताबिक वो दरवाजा हमें सीधे ऊपर तक ले जाएगा। तुम्हें यकीन है? या तो वो या फिर कोच से सामना, जब वो कल के अखबारों में हमारी तस्वीरें देखेंगे। मुझे लगा ये टॉयलेट ट्रॉफी कोच को नाराज कर देगी। इस बारे में जानने के बाद तो न जाने क्या हाल होगा। पीछे हटो सब लोग। हाँ हाँ, परफेक्ट। शायद मुझे ब्रेक की जरूरत है। वो ये कौन सी जगह है? ओ, ये पागलपन है। रुको, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। ये तो सबसे अच्छा हॉलिडे वीडियो बनने वाला है। हम हैं कहाँ? क्लाउस, जरा मुझे वो मैप देना। ये लो। ये मैप नहीं है क्लाउस, ये तो सांप सीढ़ी है। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। यार, ये सांप सीढ़ी तो इससे बेहतर समझ में आ रही थी। मैं बस चाहता था गेम में मेरे बाल अच्छे दिखे, अब शायद हम वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं। हमें कोच की बात माननी चाहिए थी। मैंने चूहे देखे हैं, पर इतने सारे एक साथ नहीं। मेरे बेचारे बाल। अच्छे से सोना, तुम्हें इसकी जरूरत है। शायद अब मुझे भी सोना चाहिए। आंट हिल्डा अपने तोहफे कभी नहीं देख पाएंगी। क्लाउस, याद आया, वो फूंकने वाली चीज। अब बस रस्सी खींचो और
मुझे ही ये वाला चीज क्यों मिला? मुझे पकड़ लो। बेचारा क्लाउस, उसके तो बस ये बेकार से लेस ही बच गए हैं। फाइटर क्लाउस ने उन्हें पहन रखा है। ओह अच्छा। अरे क्लाउस, लगता है तुम्हारा खरीदा हुआ कचरा इतना बेकार भी नहीं था। हम बच गए। लेकिन हम अकेले नहीं बचे हैं। गंदे चूहे, मुझे इन गंदे चूहों से नफरत है। शांत रहो फाइटर, हम उन्हें कोई वजह नहीं देंगे और वो हमें परेशान नहीं करेंगे। दूर हटो, ये अठिल्डा के लिए है। क्लाउस, यहाँ पर। क्लाउस, चीज को छोड़ दो। नहीं, ये अठिल्डा के लिए है। अगली बार कोच ऑर्डर्स दे तो हम उन्हें जरूर मानेंगे। हाँ, आजकल शॉपिंग करना बहुत खतरनाक हो गया है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कम से कम किसी को पता नहीं चला कि हम बाहर गए थे। और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। हे, मेरा हॉलिडे वीडियो। हाँ, हमारे आज के एडवेंचर का इकलौता सबूत। अब चलो, अगर हमने थोड़ी सी नींद नहीं ली तो नकामा हमें खत्म कर देगा। फिर कोच हमें सच में खत्म कर देंगे। चलो उठ जाओ सुपर स्ट्राइकर्स, अब नकामा को अपना जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। कशुकु स्टेडियम पर तूफान के बादल घिर रहे हैं, एक सही माहौल फुटबॉल के एक शानदार मैच के लिए। नकामा का डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, पर अगर कोई उसे तोड़ सकता है तो वो है सुपर स्ट्राइकर। हाँ, पर उन्हें ये मुकाबला जीतने के लिए टॉप फॉर्म में होना होगा। हाँ? कोच ने नाफरमानी के बाद भी इन्हें खेलने दिया, उसमें जरा भी डिसिप्लिन नहीं, या फिर उसे पता ही नहीं। टोक्यो एक महंगा शहर है सुपर स्ट्राइकर्स, और तुम्हारी छोटी सी शॉपिंग ट्रिप तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और गेम शुरू। पर कोई शेक और फाइटर को भी तो ये बताए। बॉल पास करो शेक। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है उरागिरे? तुम खुद ही मैसेज पढ़कर क्यों नहीं देख लेते कोच? बिल्कुल भी नहीं उरागिरे, मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। पर तुम्हारे प्लेयर्स का मुझे बस तुम्हारा डिफेंस कैसे तोड़ना है इस बात पर ध्यान देना है। बॉल नकामा के पास। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स के पास। फिर से नकामा के पास। अब सुपर स्ट्राइकर्स के पास। नकामा। सुपर स्ट्राइकर्स। नकामा। सुपर स्ट्राइकर्स। ओह, मुझे लग रहा है जैसे मैं टेनिस की कमेंट्री दे रहा हूं ब्रेंडा। वो तीनों इतनी जल्दी कैसे थक गए? उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो की हैं। जैसे कि तुम्हें सब पता है। मैंने तो बस मैसेज देखकर बता दिया, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं नहीं फंसने वाला। अब तक तो गेम बराबरी का चल रहा था, पर अब नकामा अपना कमाल दिखाना शुरू कर रहा है। और सुपर स्ट्राइकर्स के आलसी फॉरवर्ड्स कुछ काम नहीं कर रहे, उन्हें तो पीछे रहकर डिफेंस संभालना चाहिए। खासकर नकामा जैसी एक ऑर्गेनाइज्ड टीम के सामने, देखो उनके पास कितनी जगह है अटैक के लिए, क्या शॉट मारा है। और बिग बॉ ने भी स्कोर्स को बराबर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नकामा हमारी टीम को धूल चटा रहे हैं और ये सब मेरी गलती है। स्ट्राइकर्स कोशिश कर रहे हैं नकामा से कदम मिलाने की, पर बात कुछ बन नहीं रही। जब तक फॉरवर्ड्स डिफेंस में मदद नहीं करते, कोच की ये टीम आज बुरी तरह से हार का सामना कर सकती है। शेक, फाइटर तुम, क्लाउस, क्या तुमने ट्रेनिंग में मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी? कहाँ है डिसिप्लिन? सुपर स्ट्राइकर्स की तो वहाँ चटनी बन रही है। ये सब कल रात का नतीजा है। तुम कहना क्या चाहते हो उरागिरे? पहले मैसेज देख लो, फिर खुद ही समझ जाओगे।
यही कि तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारी कितनी सुनते हैं। अब लगा तीर निशाने पर। तुम क्या करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा फाइटर तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। पर कोच का मूड ठीक नहीं है, न जाने उन्हें बताने पर वो हमारा क्या हाल करेंगे। माफ करना दोस्तों, पर मुझे ये करना होगा। पूरा गेम इसी पर डिपेंड करता है। कोच, क्या बात है शेख? वो मैं आपको बताना चाहता था कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नया सूट है क्या? आपने बाल कटवाए हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर जैसी टीम में होना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे इस बात पर नाज है। नहीं, मैं बहुत हुआ, बैठ जाओ और बिल्कुल चुप रहो। वहाँ फील्ड पर कुछ तो बहुत गलत हुआ और मैं जानता हूँ ये किसकी गलती है। मेरी है? क्या? अब हम गए काम से। पहले तुम बोलो शेख। क्लाउस, फाइटर और मैं थकान के मारे बिल्कुल खेल नहीं पा रहे क्योंकि हम तीनों पूरी रात बाहर थे। अब मैं समझा उरागिरी क्या बताने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े गेम से पहले आखिर तुम लोग सोच क्या रहे थे? ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस एक आध घंटे के लिए ही जाने वाले थे, पर फिर पागल फैंस से बचने के लिए हमें बड़े से अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर छिपना पड़ा। फिर हमने फूंकने वाले चीज पर बैठकर नदी पार की और हम पर चूहों ने हमला कर दिया। कम से कम बहाने तो ढंग के दो। हाँ, ये तो इनके परफॉर्मेंस जितने ही घटिया है। सच बोल दो दोस्तों, मेरे पास सबूत है। क्या मुझे आंट हिल्डा को कुछ तो देना होगा ना? मेरे बेचारे बाल। अब क्या कह सकते हैं, ये तीनों सच बोल रहे हैं। तुमने जो किया वो लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था। और सबसे जरूरी बात, गलती मेरी है। दरअसल मैं उरागिरी की स्ट्रेटेजी में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं ये देख नहीं पाया कि इतना डिफेंसिवली खेलना सुपर स्ट्राइकर्स का तरीका नहीं है। शायद अगर मैंने हमारे नेचुरल अटैकिंग स्टाइल पर भरोसा रखा होता तो तुम ये नहीं करते। इस वक्त हमें बस इस गेम को जीतने में ध्यान देना है। सही कहा ना कोच? हाँ बिल्कुल। अब चलो दोस्तों, फील्ड पर जाकर ये गेम जीत कर दिखाएं सुपर स्ट्राइकर्स के स्टाइल में। ऐसा हो सकता है? और बिग बो ने एक और नकामा अटैक को बस्ट कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स के इस गोली ने अकेले ही अपनी टीम को गेम में बनाए रखा है। ओ कोच, मैं मॉल से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। पता है मैंने वहाँ किसे देखा था? चलो दोस्तों, यही मौका है अपनी गलती सुधारने का। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वाली बात। तीनों प्लेयर्स में जैसे नया जोश आ गया है। क्या ये अटैक बराबरी को तोड़ पाएगा? शेख को स्कोर करना ही होगा। पर नकामा डिफेंस ने उसका रास्ता रोक लिया है। सबसे अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स भी नकामा डिफेंस के आगे पानी भरते हैं। और लगता है कोच एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है बेंडा। शेख, क्लाउस और फाइटर ने आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेला। सॉरी कोच, हमारे सब्स्टिट्यूट्स हमसे बेहतर खेलेंगे। हाँ, हम बस यहीं बैठकर गेम देख लेंगे, यहाँ बारिश नहीं हो रही। मैं तुम्हें नहीं बदल रहा। क्या? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने ब्रांड न्यू गेम प्लान के लिए। काफी अजीब है, खतरनाक है। ये तो पागलपन है। ये परफेक्ट है। गेम अब खत्म होने पर है और अब तक स्कोर्स बराबरी पर ही हैं। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मैच। आखिरी कुछ मिनट हमेशा ही सबसे मुश्किल होते हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी अटैक लॉन्च कर दिया है। ये तो मुझे एक अजीब डांस जैसा लग रहा है। पर जो भी है काम कर रहा है। नकामा को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स को डिफेंड कैसे करें। उन्हें रोको बेवकूफो। तुम्हारा मशहूर नकामा डिसिप्लिन कहाँ गया उरागिरी? मैं ये अब और नहीं कर पाऊंगा। तो फिर खत्म करते हैं अभी। मैं नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ।
पर मुझ में तो अभी ढेर सारी एनर्जी बाकी है। और ये एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरे अल्टीमेट डिफेंस को आखिर तोड़ा कैसे? मैंने एक नई टेक्निक सीखी, मेरे ख्याल से तुमने उसके बारे में सुना नहीं होगा, वो काफी अंडरग्राउंड है। आज तो नकामा को अच्छा मजा चखाया। बहुत अच्छे बॉयज, मुझे तुम पर नाज है, अब आराम से मजे करो, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। आपने लेट कहा कोच। चलो भी, आखिर मेरे इन बेचारे बालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है।